हेलो एवरीवन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने चैनल केयर वेल क्लासेस में आज की वीडियो में हम एलिमिनेशन को कवर अप करेंगे और हमारे जो पूरा बेसिक्स है बायोफार्मास्यूटिक्स का एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन इन सारे को आज रैप अप करेंगे तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख के यहाँ पे आइए ताकि आपको क्लियरेंस अच्छे से हो चलिए देखते हैं रीनल क्लियरेंस के बारे में देखिए रीनल का मतलब है कि किडनी से रिलेटेड होगा हमने हमने अपनी पिछली वीडियो में कवरअप किया था रीनल और नॉन रीनल एलिमिनेशन के बारे में आप हमारी प्लेलिस्ट लिंक पर जाकर जरूर चेक आउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में पिन डाउन की गई है सो रीनल क्लीयरेंस का मतलब क्या होता है इट इज सम ऑफ इंडिविजुअल क्लीयरेंस बाय ऑल एलिमिनेटिंग ऑर्गन्स क्लीयरेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे पूरी जो भी हमारी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है जो जो ऑर्गन्स और... गन एक्सक्रीशन में अपना मेजर रोल कर रही है और एक्सक्रीशन करवा रही है किसी भी पर्टिकुलर ड्रग का वो कितनी टाइम में और क्या उसका क्लियरेंस रेट है मतलब पूरी तरीके से या फिर हमारी ड्रग को पूरी तरीके से बॉडी से क्लियर आउट करना उसे हम क्लियरेंस बोलते हैं क्लियरेंस अगर मैं बोलूँ तो एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है हाइपोथेटिकल का मतलब होता है एक एज्यूम्ड वैल्यू एक होती है प्रैक्टिकल जो कि होती है कि हमने कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद हमारे पास वो डाटा आया और उसके अकॉर्डिंग हमने आपको बताया हाइपोथेटिकल होता है कि हमने अज्यूम की ये चीजें कि हाँ, ये चीज़ हो रही है हाइपोथेटिकल वैल्यू और वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूड कंटेनिंग ड्रग फ्रॉम विच ड्रग इज रिमूव मतलब कि ऐसा बॉडी फ्लूड जिससे कि

क्लियरेंस का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड और प्लाज्मा दैट फ्रॉम द किडनी पर यूनिट टाइम मतलब अमाउंट ऑफ ड्रग जो कि ब्लड और प्लाज्मा से पूरी तरीके से निकल रही है यहाँ पे हम पूरी तरीके से निकाल रहे हैं इसलिए ये चीज आपको ध्यान में रखनी है तो क्लियर जो रीनल क्लियरेंस है उसका भी फॉर्मुला सेम है एलिमिनेशन रेट ओवर प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है यहां पर हमारे पास कि रीनल क्लियर रेशो का मतलब क्या होता है रीनल क्लियरेंस रेसो इट इज द द्लियरेंस ऑफ द ड्रग रीनल क्लियरेंस ऑफ द ड्रग ओवर रीनल क्लियरेंस ऑफ क्रिएटिन यहां पे थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं एक हमारी बॉडी में कंपाउंड्स होते हैं यहां पे मैंने लिखा हुआ है आप इसको भी पढ़ सकते हैं कि क्रिएटिन क्रिएटिन हो गया इनोलिन हो गई या ड्रग्स हो गए ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन से निकल के आते हैं ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन से निकलना कोई आम बात नहीं है बहुत ही ज्यादा यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स लगते हैं अगर आपको ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू अपने कंपाउंड को पास आउट करवाना है तो हम हमेशा आपने सुना होगा क्रिएटिन वैल्यू देखते हैं क्रिएटिन वैल्यू देख ली या फिर हमने क्या देख ली हमने इनोलिन वैल्यू देख ली अगर हमने ड्रग की मेजरमेंट करनी होती है किसकी मेजरमेंट करनी है अगर हमने ड्रग की मेजरमेंट करनी है तो हम क्रिएटिन या इनोलिन वैल्यूज के साथ उसे कंपेयर कर अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि क्लियर जो है वो रीनल क्लियर हो या फिर क्लियरेंस क्लियरेंस जो है वो हाइपोथेटिकल वैल्यू है तो हम उसे आसानी से नहीं डिनोट कर सकते इसलिए अगर हमने उसे, करना है या फिर उसे करना है, तो सबसे क्या है हमारे पास यहां पे? कि हमें उसे ऐसे कंपाउंड के साथ कंपेयर uh, करना पड़ेगा जो कि ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन के द्वारा निकल के आता है तो उसमें हमारे इनोलिन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपसे कोई पूछे कि भाई क्रिएटिन का ही क्यों यूज करते हैं फिर क्रिएटिन इनोलिन को ही हम क्यों लेके measure, इसकी करते तो आपने सिंपल बोलना है क्योंकि आते हैं इसलिए हमें हम इनको लेते हैं जिनको नहीं समझ आ रहा उनको इसलिए नहीं समझ आ

हमारा जो क्लियरेंस रेशो है वो जीरो तो मतलब हमारा जो पर्टिकुलर कंपाउंड है उसकी फिल्ट्रेशन भी हो गई है और वो पूरी तरीके से बॉडी में रीअब्सॉर्ब भी हो गया है बाय द डी अब नेक्स्ट है अगर रेंज आ रही है जीरो से वन के बीच में जिसमें क्लियरेंस रेट वन रहेगा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्लियरेंस अगर रीनल क्लियरेंस की जो क्लियर रेट है वो किस रेंज में रहता है तो आपने आंसर देना है जीरो से सिक्स के बीच में जीरो लोएस्ट वैल्यू है सिक्स हाईएस्ट वैल्यू है जैसे कि यहां पे हमने लिखा हुआ है अगर जीरो से वन के बीच में हमारी रीनल क्लियरेंशो आती है तो हमारी जो ड्रग है वो पूरी तरीके से फिल्टर हो रही है लेकिन उसमें पार्शियल मतलब फिफ्टी फिफ्टी रीअब्सॉप्शन हो रही है रियब्शन को अगर बताऊं तो रीप का मतलब है कि कुछ कंपाउंड जो है जो हमारी नेफ्रॉन्स होते हैं जैसे कि ये हमारे नेफ्रॉन्स है

नेक्स्ट है अगर सिक्स फिफ्टी वैल्यू है क्लियरेंस रेट की वैल्यू सिक्स फिफ्टी है और रेशो जो आई है वो फिफ्टी फाइव आई है तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्लियरस जो है वो रीनल प्लाज्मा फ्लो के इक्वल है मतलब कि जो रीनल सिस्टम है हमारे पास प्लाज्मा का फ्लो हो रहा है वो उसके इक्वल रूप है क्वेश्चन बेसिकली यहाँ तक पूछा जाता है कि जीरो आ गया तो मतलब क्या फिल्ट्रेशन कंप्लीट री या फिल्ट्रेशन या पार्शियल री तो इस चीज को अच्छे से कवरअप कर लिए अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए आपकी क्वेरीज को जरूर, जरूर मैं कवरअप करूंगा अब हम बात करते हैं नॉन रीनल रूट्स के बारे में रीनल रूट्स जो कि किडनी के द्वारा एक्सक्रीशन हो रही है अब नॉन रीनल रूट्स में हमारे पास क्या है कि किडनी के अलावा कई ऐसी और जगहें हैं जहां से या फिर बॉडी ऑर्गन्स है जहां से हमारी ड्रग की एलिमिनेशन हो सकती है तो वो कौन कौन से एरियाज है आज इसको कवर करेंगे और इस टॉपिक को खत्म करने वाले हैं हम सो ड्रग एक्सक्रीशन बाय अदर ऑर्गन इज नोन एज एक्स्ट्रा रीनल और नॉन रीनल रूट्स ऑफ ड्रग एलिमिनेशन सबसे पहला आता है बाइलरी सिक्रीशन बाइलरी एक्सक्रीशन बाइलरी एक्सक्रीशन मतलब वाया बाइल अब बाइल क्या है बाइल एक तरीके का हमारे पास आ, कंपाउंड है जो हमारे बॉडी में लिवर प्रोड्यूस करता है, करते है hepatocides, hepatocides मतलब cells, जो हमारे लिवर में सेल्स है वो इन्हें प्रोड्यूस करते हैं स्टोर जाके होते हैं गॉल ब्लैडर में और सिक्रीट कहां होते हैं डिडोनियम में जिनको डुडोनियम नहीं पता डिडोनियम क्या होता है हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है देखिए ये ये आपका आग, ये आपका ओइसोफेगस स्टमक और स्टमक से जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर ये यह देखिए ये हमारी क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पार्ट है यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन जो रेड में डिनोट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ब्लैक में डिनोटेड है ये लार्ज इंटेस्टाइन है ठीक है तो जो ये रेड में डिनोटेड है स्मॉल इंटेस्टाइन है जो एंड पार्ट होता है उसे हम इलियम बोलते हैं एंड पार्ट को हमेशा इलियम बोला जाता है जेजेनम जो होता है वो मिडल पार्ट होता है और जो हमारे पास डोडोनियम होता है डोडोनियम हमारा स्टार्टिंग पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का अब इनका पर्टिकुलर फंक्शन अलग अलग है अगर मैं डोडोनियम का फंक्शन बताऊँ तो इसका फंक्शन है कि जो भी न्यूट्रंस या फिर जो भी कम्पाउंड स्मॉल इंटेस्टाइन सॉरी स्टमक से आ रहे हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर करवाने का जिम्मेदारी इसकी है इलियम का क्या काम है इलियम का है कि ऑब्जॉर्शन करवाना पर्टिकुलर जो भी कंपाउंड है या फिर कोई को रहा पर ऑब्जॉर्शन का काम हमारा जेजेम का है और जेजेनम का ऑब्जॉप्शन का, का काम है और इलियम का क्या काम है मेनली कि जो भी हमारा मटीरियल है उसे अब लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ उसका पैसेज स्टार्ट करवा देना तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी पूछा जाता है और जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पे आते है।, एक्सक्रीशन, अब क्या है? आ, हमारे लिवर में बनता है स्टोर गॉल ब्लेटर में होता है, है। एक्टिव प्रोसेस मतलब यहां पे ए को यूज किया जा रहा है एनर्जी यूज है प्रोसेस को करने के लिए अब मेन फंक्शन क्या है इसका डाइजेशन एंड एब्जॉर्शन ऑफ फैट जो भी हमारे बाइल होती है बाइल में हमारे पास क्या बाइल बाइल जूस हो गया या फिर हमारे ये सारे प्रेजेंट होते हैं इनका मेजर काम होता है जो भी हमारे फैट कंपाउंड्स हैं, फैट मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी डाइजेशन करवाना और उनकी अब्बॉर्शन करवाना, क्लियर है पॉइंट नेक्स्ट है जितना भी हमारा बाइल बनता है बॉडी में उसमें जो 90 परसेंट है ना वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है इंटरसाइन में जो कि बाकी का दस परसेंट बता है वो से, वो एक्सक्रीट आउट वो हो जाता है इन फॉर्म ऑफ फिस अब ऐसी कौन सी ड्रग्स है जो कि बाइलरी सिक्रीशन के द्वारा निकलती है बॉडी से देखिए जो ड्रग्स का मॉलिकुलर वेट ज्यादा हो जैसे मैंने आपको मेटाबॉलिज्म वाली वीडियो में भी बताया और एब्सॉर्शन वाली वीडियो में भी बताया अगर हमें ड्रग को एलिमिनेट करना है मेटाबॉलिज्म में ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है अगर हमें ड्रग को एलिमिनेट करना है तो ड्रग को हमें लिपोफिलिक बना हाइड्रोफिलिक बनाना होगा लेकिन अगर मान लो कोई ड्रग नहीं बन पा रही है तो उसमें हमारे पास बाइलरी एक्सक्रीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बाइलरी एक्सक्रीशन के कारण हमारी जो ड्रग है या फैट मॉलिकुलर ड्रग है लिपोफिलिक ड्रग है वो आसानी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है दूसरी चीज की अगर हमारी जो ड्रग है उसका मॉलिकुलर वेट ज्यादा है जैसे मिनिमम रेंज होती है तीन से पांच सौ के बीच में अगर

पोटाशियम क्लोरीन आयस और ग्लूकोज नेक्स्ट है ग्रुप बी ग्रुप बी में क्या है जिनकी रेशो वन से ज्यादा आ रही है बाइल टू प्लाज्मा रेशो वन से ज्यादा मतलब इस रेंज में टेन टू वन थाउजेंड की रेंज में आ रही है तो वो जो हमारे मॉलिक्यूल्स है या कंपाउंड हैं वो ग्रुप बी में आते हैं ग्रुप सी में कौन से आते हैं जिनकी रेशो वन से कम आ रही है और वह है जैसे सुक्रोज हो गया इनोलिन हो गए ये सारे हमारे कंपाउंड जो है वो ग्रुप सी के अंदर आते हैं अब जो हमारे पास कंडीशन है कंडीशन आपको मैंने पहली बता दी जो हमारा ड्रग का मॉलिकुलर वेट है वो पांच सौ से ज्यादा होगा तो हमारी जो ड्रग है वो किसके द्वारा एक्सक्रीट आउट हो जाएगी हमारी बाइलरी बाइलरी एक्सक्रीशन के द्वारा अगर जो ड्रग है और मेनली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिससे कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइलरी एक्सक्रीशन कौन सी मेटाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा या फिर कौन सी ड्रग्स जो मेटाबॉलिक कौन सी रिएक्शन फॉलो करती है वो ड्रग्स का बाइलेरी एक्सक्रीशन होता है तो वो है फेस टू रिएक्शन एक होता है फेस फेन एक होता है फेस फेस रिएक्शन रिएक्शन में भी बाय ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है आप जाके वो देख सकते हो आई बटन में लिंक पड़ा हुआ है तो जो ड्रग्स हमारी फेस टू वो भी ग्लूकोनाइड कॉन्जुकेशन के द्वारा मेटाबोलाइज होती है उन ड्रग्स का बाइलरी एक्सक्रीशन हो सकता है जैसे एग्जाम्पल मॉर्फिन एंडोमेथासिन ये सारी जो हमारी ड्रग्स है इनका जो एक्सक्रीशन होता है वो बाइल के द्वारा होता है नेक्स्ट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इंटेरोपेटिक सर्कुलेशन दो नंबर में सेमिस्टर क्वेश्चन पूछा जा चुका है एंटेरोपेटिक सर्कुलेशन का मतलब है कि ड्रग का एक साइकिल चलते रहना किसके बीच में इंटरसाइन

का जो पीएच है ना वो बहुत ही मतलब न्यूट्रल पीएच होता है तो हमारी ड्रग्स जो है ये हमारे सलाइवा के साथ मिक्सअप होकर एक्सक्रीट आउट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ सलाइवा और ये जो प्रोसेस है ये पीएच के ऊपर डिपेंडेंट होता है एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा नॉन रीनल एक्सक्रीशन रूट है जिसमें कि क्या हो रहा है हमारा सिर्फ एक्टिव प्रोसेस लग रहा है तो वो है हमारा बाइलरी एक्सक्रीशन जैसे कि मैंने आपको बताया था बाइलरी एक्सक्रीशन इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है अगर हम बात करें बाकी सारे एक्सक्रीशन मेथड नॉन रीनल की बात कर रहा हूँ तो उसमें जो बाकी सारे प्रोसेस है वो सारे पैसे प्रोसेस है मतलब वहां पर कोई भी क्या नहीं लग रहा है किसी भी तरीके की एनर्जी नहीं लग

जब हमारा जो न्यू बॉर्न है इन्फेंट है उसे फूड uh, प्रोवाइड करवाते हैं मिल्क प्रोवाइड करवाते हैं उसके दौरान उसके दौरान जो हमारी पर्टिकुलर ड्रग्स है वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है थ्रू दी मेमेरी ग्लैंड जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी होने के चांसेस जो लेक्टिस पेशेंट्स के द्वारा टॉक्सिसिटी होती है उन्हें हम मेमेरी टॉक्सिसिटी बोलते हैं और ये टॉक्सिसिटी बहुत ही डेंजरस होती है बहुत सारे कॉन्ट्रा कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है कई सारी ड्रग्स है जैसे अल्कोहल हो गया डाय एजिपाम हो गया जो कि हमारा जो न्यू नेट है या फिर जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है नेक्स्ट है हमारे पास स्किन स्किन से कैसे होती है वाया स्वेट मतलब जो हमारे स्वेट ग्लैंड है वहां से हमारी जो ड्रग्स है वो एक्सक्रीट आउट

क्ट जिसमें हमारा स्टमक ये सारी चीज़ें आ गई अब आप अचंबित हो गए हो गए या जी आई में कैसे एक्सक्रीशन हो रही होगी ये तो डाइजेशन का पार्ट है देखिए कई हमारी बॉडी है कुछ भी हो रहा है यहाँ पर कुछ भी मतलब इन द सेंस विद अ वैलिड रीजन तो क्या बार होता है कि कई बार जो पे, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन होती है ड्रग्स की वो कई बार जी में आ जाती है और जी में वो बहुत ही ज्यादा सॉल्यूबल होती है जिसकी वजह से जो हमारी ड्रग्स है वो जी में जो एजेंस प्रेजेंट होते हैं वहां से कंप्लीटली डिग्रेड आउट हो जाती है इसलिए कई बार देखा जाता है कि पैप्टिकल्सर कॉज कर रही है कोई पर्टिकुलर ड्रग या फिर जी में एरिटेशन कर रही है और इसमें हमारे पास है निकोटीन जो कि बहुत ही ज्यादा हमारे पास जीआई में एक्सक्रीशन हो जाती है

एस्पेक्ट है हमारा ड्रग का एलिमिनेशन का क्यों क्योंकि अगर वो ड्रग आयनाइज हो गई तो हमारी जो रीनल रीजन में परमिएबिलिटी है वो आसानी से उसमें परमिएबल हो जाएगी क्यों क्योंकि अगर देखिए परमिएबल तो लिपोफिलिक भी हो जाती है लेकिन वो रीअब्जॉर्व uh, हो जाती है ना हमें री नहीं करवानी है हमारी पर्टिकुलर ड्रग हमें उसको अब हमारी बॉडी से बाहर फेंकना है इसलिए उसका परमिएबिलिटी को अचीव करने के लिए ताकि वो एक्सक्रीट आउट हो जाए उसकी सिक्रीशन हो तो उसके लिए हमें ड्रग के आयनाइजेशन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट को जरा ध्यान से सुनिएगा पीके ए एंड यूरिनरी पीएच के बारे में देखिए अगर मैं पीके ए की बात करूँ तो पीके ए का मतलब होता है कि उसकी एक पर्टिकुलर कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है क्या उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है उस या कंपाउंड की सबसे पहले की जो वो से के बीच में है। आपकी स्क्रीन पे एक टेबल आ रहा होगा ये जो टेबल है यहां पे आप देख सकते हैं आपको अब इस टेबल में देखिएगा एक साइड लिखी है एक पीके और नेचर और हमारे पास तीन वैल्यूज दी गई है मतलब कि हमारी जो यूरिन की डिवाइडेड है अब अगर मैं सिर्फ एक पार्ट को लेकर आपको समझाउ देखिए अगर ड्रग्स एसिडिक है तो जितनी ज्यादा पीके वैल्यू होगी मतलब जितना स्ट्रॉंग एसिड होगा उसकी जो आयनाइजेशन परसेंटेज होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी ठीक है जितनी उसकी जितना उसका पीके वैल्यू होगी उतनी ज्यादा उसकी क्या होगा आयनाइजेशन परसेंटेज और उसका जो क्लियरेंस रेट होगा वो एसिडिक के केस में कम होगा क्यों क्योंकि देखो एसिड एसिड कोई रिएक्शन तो होगी नहीं यहाँ पर जिसकी वजह से हमारा जो क्लियरेंस रेट है वो कम होगा मैं सिर्फ फोर पॉइंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आप पर्टिकुलरली उसके अकॉर्डिंग जो फर पीएच आप समझ सकते हो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेस के बारे में तो पीके तो मतलब एसिडिक स्ट्रेंड तो जितनी ज्यादा यहां पर स्ट्रॉप पी एच बेस होगा जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसकी जो हमारे पास क्लियरेंस रेट होगा वो ज्यादा होगा ठीक है एसिडिक में हमारे जो परसेंटेज एन एच वो ज्यादा होती है और जो हमारा बेस के केस में क्या ज्यादा होगा हमारे पास क्लियरेंस रेट और जैसे 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 वैल्यूज़ पीएच की वैल्यू कम होती जाती जाती है, है, वैसे है। वैसे-वैसे ही हमारा जो है, उसकी भी डिक्रीज़ कि आप देख सकते हैं, जो वेरी वीक एसिड है उसका जो है, है। वो आ गया है। तो आप ये समझिएगा और ये अब अगर में बात करूं, के बारे में देखिए हमारी जो

लीनियर पॉइंट शो होगा मतलब एक यूनिफॉर्म पॉइंट है लेकिन अगर वहीं पर हमारे पास सिर्फ फिल्ट्रेशन और रीअब्सॉर्शन भी हो रही है तो जैसे जैसे प्लाज्मा कंसेंट्रेशन होगी वैसे वैसे हमारा जो पर्टिकुलर क्लियरेंस रेट है वो भी अचीव होगा लेकिन उस एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हमारे पास टीएम अचीव हो जाएगा नेक्स्ट है हमारे पास रीजल एक्सक्रीजन जिसमें एक्टिव सिक्रीशन हो रही है मतलब कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा सॉरी क्लियरेंस रेट बहुत ज्यादा हाई है और प्लाज्मा कंसेंट्रेशन उसी तरीके से हो रही है और उसी तरीके से वेरी कर रहा है, है यहाँ पर और यहाँ पर है हमारा रीजल एक्सक्रीशन रेट आप इन दोनों को को करके आसानी से समझ सकते हैं बहुत आसानी से समझाएंगे नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रग बाइंडिंग देखिए जितनी ज्यादा अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगी जितनी ज्यादा अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगी उतनी ज्यादा कम एक्सक्रीशन होती है ऐसा क्यों होता है देखिए जब डिस्ट्रीब्यूशन हुई तो मतलब कोई जो हमारी ड्रग है उसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अगर ज्यादा है मतलब वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होकर डिस्ट्रीब्यूट होगी अगर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होगी तो मतलब कि अब तो, तो वो बाइंड हो गई वो आसानी से जुड़ने नहीं वाली और आपको पता है प्लाज्मा प्रोटीन अगर की बाइंडिंग अगर ज्यादा हो अगर ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जो बाइंडिंग है वो ज्यादा हो तो हमारी जो टी हाफ होता है वो बढ़ जाता है अब अगर टी हाफ बढ़ गया तो हमारा एक्सक्रीशन रेट भी है वो वो भी कम हो जाएगा ठीक है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी क्लियर रेट क्वेश्चन जी पे दो हजार अठारह में पूछा गया था जी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था मोर द ड्रग बाइंड विद प्लाज्मा प्रोटीन लेसर इज द एक्सक्रेशन जितनी ज्यादा ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी उतनी एक्सक्रेशन कम होगी क्योंकि मैंने डिस्ट्रीब्यूशन में सारी चीज़ समझाई है कि प्लाज्मा प्रोटीन कैसे बाइंड करेगी अगर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ड्रग बाइंड है मतलब कि ड्रग का जो एक्शन ड्यूरेशन है वो बढ़ गया है तो अगर एक्शन ड्यूरेशन बढ़ गया तो आपका एक्सक्रेशन रेट कम हो जाएगा ना आप अपने दोस्त के घर जाते हो अगर आपके साथ उसकी बॉन्डिंग कम है तो आपका वहां से निकलने का जो टाइम जो निकलने का रेट है वो कम हो जाएगा अगर आपकी उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी तो आप आसानी से जल्दी जल्दी निकल आओगे ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास ड्रग इंट्रक्शन ड्रग इंट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से तो मैं कहूँगा अठारह सतारा चौदह और बारह में क्वेश्चन पूछे गया है इन सारे पॉइंट्स में इन सारे पॉइंट्स से इन इन ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है सबसे पहले जेंटामाइसिन और फ्यूरोसेमाइड जेंटामाइसिन और फ्यूरोसेमाइड प्लाज्मा ड्रग अल्ट्रेशन कर देते हैं कैसे देखिए जो यहाँ पे क्या होता है जेंट, जेंटामाइसिन इस डिस्प्लेस डिस्प्लेस हो जाता है किससे फ्यूरोसेमाइड से जिसकी वजह से अब फ्यूरोसेमाइड क्या है हमारा एक तरीके का डायरेटिक है अब इसकी वजह से हमारे पास हाईली नेफ्रोटॉक्सीिटी प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से हमारा जो एक्सक्रीशन रेट है या फिर एलिमिनेशन रेट है वो चेंज हो सकता है नेक्स्ट है हमारे पास अगर मैं बात करूँ यूरिनरी पीएच के बारे में अगर देखिए जैसे अगर जो हमारी यूरिन के बीच अल्कलाइन हो गई है जिसकी वजह से सिट्रेट की वजह से या फिर कोई ट्रट टाट्रेट पेजेंट है कोई भी अल्कलाइन मीडियम है उसकी वजह से हमारी जो यूरिन है वो अल्कलाइन मतलब बेसिक

किडनी का रीजन है जो हमारा बीनशे वाला रीजन है वहाँ पे इफ्लामेशन हो जाना एक चीज मैं आपको अच्छी बताता हूँ जिसके पीछे आईटीआईएस लग गया वहाँ पे समझ लेना इन्फ्लामेशन बोलिए नेक्स्ट है हाइपो वोलेमिया हाइपो मींस लो वोलेमिया मींस ब्लड सप्लाई ब्लड सप्लाई हमारी किडनीज में कम हो रही है जिसकी वजह से भी यूरिन सॉरी जो एक्सक्रीशन रेट है वो आ, वो हमारा इन्फ्लुएंस होता है नेक्स्ट है यूरेमिया यूरेमिया का मतलब होता है कि जो हमारी ग्लोबलर फिल्ट्रेशन है वहाँ पे किसी ना किसी तरीके की अल्ट्रेशन हो रही है सो so ये सारे पॉइंट्स थे अबाउट फैक्टर्स इफेक्टिंग ड्रग एलिमिनेशन नॉन रीनल रूट्स और पूरा हमने एब्जॉर्बशन डिस्ट्रीब्यून मेटाबोलिज्म एक्सप्रेशन अप कर दिया है आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और हमारी प्ले को भी जरूर चेकआउट करना जो हमने जनरल फार्मोकॉलिजी और बाय फार्मोटिक्स में बनाई हम कोशिश करेंगे बाय फार्मोसिक्स को जल्द से जल्द खत्म करने की टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल देन बाय एंड जय हिंद